देखो यहाँ पे कौन है मेरे साथ। गाइस बलिमो है मेरा, आप लोग ऑल इनवाइटेड हैं। बंद कर दे, कॉपीराइट लगता मेरे को। हम ना बाला खींच के एक दूसरे को मार मार के फिनेल क्लोरीन मार दे रहे हैं। बस देखो लाड़ों का लचका गाड़ियों से घुखाया है, कुछ बोलते क्या खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। ऐसे मौसमों में लॉन्ग ड्राइव पे जाना, मैं मेरे मियाँ के साथ बोले तो यहाँ पे मेरे को शूट पे जाना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कल नहीं तो परसों इसलिए बोली बिकॉज कल HD का शूट है। तो मैं पहुंच गई यहाँ पे और इतनी खुशी हो रही मालूम, क्योंकि बहुत टाइम के बाद सबसे पहले पहुंची मैं। तो सबसे पहले नीरोज खुला था बंजारा हिल्स में, एंड लिटरली यहीं पे हम लोगों का टेनिस कोर्ट रहता था। तो मैं ऐसा टेनिस खेलने यहाँ पे जब भी आती थी तो मैं देखती थी, ओ माय गॉड, लाइक यू नो विंडो में इतने अमेजिंग कपड़े रखे हुए रहते थे। आई यूज्ड टू बी लाइक डैम, वन डे मैं आके खरीदूंगी यहाँ से। तो आज मैं नीरोज के लिए प्रमोशन करने आई तो मैं कैसा दिख रहा, वाओ आई हैव कम सच अ लॉन्ग वे बोल के। तो ऐसे चुप शेयर करना चाह रही थी छोटी स्टोरी लाइक। तो हम लोग आ गए भाई नीरोज को, देखो यहाँ पे कौन है मेरे साथ। तो स्वाति के साथ फाइनली कोलैब करने मिल रहा, थैंक्स टू नीरोज। हम लोग ऐसे सेलेक्ट करना है कि यू नो कौन से कपड़े पहन के बाहर आते जाएंगे ट्रायल रूम से, सो वी आर डूइंग दैट। स्वाति को पसंद आया ये और वो, गोल्डन गर्ल बन के बाहर आएंगे। तो खैर रील देखना है अगर तो जाओ, हम लोग के इंस्टाग्राम पे मिलेगा आपको वो रील। या आई थिंक दो दिन में डालूंगी मैं रील, ये व्लॉग तो कल ही चाह जा रहा, बट बिहाइंड द सीन्स पहले डाल दी मैं। सो गाइज अभी ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा था बोले तो, दो वेरिएशन थे भाई स्क्रिप्ट के, एक ऐसा मैं जाके चेंज करके आते जा रही हूँ, एक इनो चेंज करके आते जा रहे। तो लास्ट मिनट ये डिसाइड हुआ कि इफ शी डजंट इट विल बी ए फनियर। She doesn't funnier. असल कैसा था मैं बताती हूँ, पहले कॉल करके स्वाति कहा है I am going to reach in 10 minutes. फिर कैसा जैनब का दिमाग चला रही हूँ, मैं स्टाइल करके बताती हूँ। जैनब का दिमाग चला अपने भाई को लेके जाके पार्किंग में, यार आज मेरे को बहुत ज्यादा थकान दिख रहा है, मैं व्लॉग कर रही हूँ शूट कर रही हूँ। ओ माय गॉड स्वाति आदि की टपाटप, उसको चेंज कराने लगेंगे अपन, सब मेहनत से नहीं होती भाई। तो एनी वेज गाइज बलिमो है मेरा, आप लोग ऑल इन्वाइटेड है, और जैनब आए तो पांच कपड़े लेके आना, ट्राई कराऊंगी पांच कपड़े। ये बच्ची को सब मालूम हो गया भाई, हमला क्या प्लानिंग प्लाटिंग करे। सो मैं असल में इन्हें लेट आई ना 10 मिनट, तो उसका पनिशमेंट है ये। पनिशमेंट के नाम पे काम है कोमली कोमली का रहा जीना तुम्हें। ओके तो शूट खत्म हो गया, कुछ काम से मेरे को घर आना था, यहाँ से मेरे को मेरे मम्मी के घर को जाना है बिकॉज वहाँ पे लंच है मेरा। बाय द वे सुबह में मैं बोल रही थी देखो वेदर कितना अमेजिंग है बोले तो, धूप निकल गई, मतलब सुकून ही नहीं है इंसान को। बीच में तो आखिरी डिहाइड्रेटेड सनबर्नड और पिगमेंटेड हो गई थी मेरी स्किन। तो अपने स्किन प्रॉब्लम्स के लिए सबसे वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट कौन सा है मालूम, एलोवेरा। सबसे तकलीफ दे भी वही है बिकॉज रोज रोज वो पत्ते को काट के फिर लगाना इज अ हैसल और आखिरी मैसी भी हो जाता। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मामा अर्थ हैज लॉन्च्ड द एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर। ये नेचर के दो बेस्ट इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, एक एलोवेरा एंड एक अश्वगंधा। इसमें जो एलोवेरा है वो हाइड्रेट मॉइस्चराइज और सूथ करता अपनी स्किन को, एंड जो अश्वगंधा है वो अपनी स्किन को यूथफुल दिखाता। ये आखिरी लाइट वेटेड फॉर्मूला से बना हुआ है जो क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता स्किन में, थर बाय गिविंग एन एवर लास्टिंग ग्लो। आप ये आराम से यूज कर सकते हैं एवरी डे without any tension because ये made safe certified है, which is basically a proof of no toxins or chemicals. So it's basically time to say hashtag say allo to glow. तो इसमें antioxidants भी है and it's suitable for all skin types. इसमें जो ashwagandha है, it's a powerhouse of antioxidant, fights free radical damage and gives you a youthful glow. It also has glycerin which helps retain the skin's essential moisture. सबसे पहले तो ये Mamaearth का aloe vera face wash use करो, उसके बाद साफ सूरत पे ये aloe vera gel face moisturizer लगाओ। Like I said, आखिरी light weighted formula है इसका। तो यहाँ पे mentioned है देखो, made safe certified, dermatologically tested, also suits all skin types, also पीछे cruelty free and vegan. So definitely check these products out, all the links are in the description below, and as you know every time you make a purchase from Mamaearth they link a tree to your order as a part of their initiative of planting 1 million trees by the end of 2025. You can also track this on their website. आप ला मेरा कोड untamed2022 use कर सकते for a 20% discount on their website. इसके अलावा आप लोग Mamaearth के products Amazon, Nykaa और Flipkart से भी खरीद सकते हैं। Anyways तो अब मैं जाती हूँ because मेरे को लेट हो रहा, so yeah I'll see you guys later. नीरोज का शूट हो गया, हम लोग घर को आके मम्मू भी खा लिए, अब्बास है मेरे साथ,
तो मम्मा है सो जबरदस्त खाना बनाए थे भाई, तो मैं बोली चलो जाके खा लेंगे कबाब छीने। यस, आपको मेरे मम्मी के अमेजिंग खाने खाना है तो आप खा सकते हैं अब कबाब चीनी पे, जो है इंस्टाग्राम पे ये हैंडल है, जाके मजे मजे के खाने ऑर्डर करो भाई। आप लोगों को मालूम होता मैं क्या बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ बोल के। बाय द वे गाइस, 25th जून को जो ये सैटरडे को है गुलमोहर बुटीक एक्सपो करने वाले हैं अपना 19th सीजन माशाल्लाह, तो वहाँ पे हाइड्रोसैन कबाब चीनी बेक्ड बाय राज तीनों चीजें मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। होपफुली आई विल सी यू गाइस देयर। एनीवेज, तो अभी मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है तो मैं जा रही हूँ डेंटोलॉजी को। अब से कि मेरे को ब्रेसेस लगाने का है भाई, बट हिम्मत नहीं हो रही तो आज मैं जाके स्कैन करवा रही हूँ, उसके बाद देखेंगे अपन क्या होता। सो तो भाई मैं आई थी डेंटोलॉजी को, आई थी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरा क्लीन अप चेकअप ये वो सब हो गया। डॉक्टर फूडी को तो पहचानते होंगे आप लोग, तो ही वॉज हियर बट ही हैड टू गो एल्सवेयर। एक्सरे भी हुआ मेरा दांतों का, अगर मेरी हिम्मत हुई तो मैं डालती हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं हुई तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, आई विल पोस्ट ओनली आफ्टर माय टीथ आर अलाइन्ड नाउ। अब देखो कौन आए, दिख रहे हैं इसने, बंद कर दे कॉपीराइट लगता मेरे को। हाँ नहीं, तुम कहाँ से मरमरा के आ रहे हो? तुम लोगों की गलती है क्या, मैं ओमेगा हॉस्पिटल के पास आओ बोले तो मैं मेन रोड पे थी, उधर से इन्हें सीधा जाओ बोला तो मैं कहाँ की चले गई हॉस्पिटल। देख तू ओमेगा बोले तो हमला सोचे तो अंदर आ गई गली में, गली में आ गई तो स्ट्रेट आओ बोले तो इन्होंने मेन रोड पे निकल लिए वापस। हॉस्पिटल कहाँ है? देखो तुम लोग कमेंट्स में बोलो किसकी गलती है, गली में है। तुम लोग गली बोले, हॉस्पिटल गली में, मेन रोड पे है हॉस्पिटल। दीवानी झूठी कहेंगी कि ओमेगा गली में अब है, जाके देखेंगे मेन रोड पे दिखता। अब वो देखने जाएंगे, कोई और काम नहीं पड़ा। चल तो गाइस, कई लोग पूछ रहे थे कि सिमीन क्यों नहीं आ रही मेरे व्लॉग्स में, क्यों नहीं आ रही हमला लड़ लिए क्या बोल के। हाँ हमला बाला खींच के एक दूसरे को, बस हो गया दादा अंदर कर दी, देखो मैं घुसा मैं Nonsense. अभी डेंटिस्ट का व्लॉग लिया तो हम लोग पानी पूरी खाने जाने वाले थे, उसके बाद हम लोग बोले कि जवारी की रोटी एक व्लॉग में खाए थे देखो वहाँ चले जाएंगे क्या बोल के, फिर वहाँ से अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? डीएलएफ को जा रहे हैं बिकॉज इन्होंने बोले कि एक क्रेजी चीज पिलाती हूँ मैं, देखो को कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो मैं जा रही हूँ सिर्फ वरलक्ष्मी। तो भाई मैं तो खाली जा रही हूँ डीएलएफ को, वरलक्ष्मी अगर आप लोग डैश करूंगी अब मैं, हो गया। इसलिए कर रही थी इसके साथ व्लॉग्स में, आधे टाइम तो चीखते रहती ने खाली, इतना एडिट करना पड़ता है, इतना एडिट करना पड़ता है। मेहनत सिखाई नहीं, इतनी मेहनत नहीं करना है। 5th billion time मैं बोलना चाह रही हूँ थी कि मैं जा रही हूँ डीएलएफ को जस्ट फॉर वरलक्ष्मी। वहाँ का अगर डोसा और इडली नहीं खाए हैं तो फॉरन जाके खाओ, इसके टेस्ट बड्स पे मेरे को यकीन नहीं है तो रहना तो चाहिए आपको। नहीं 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 नहीं, जबरदस्त है ऐसा इसको पिघल जाता है। चाकना नहीं पसंद, चाकना मैं कभी खाई नहीं तो मेरे को कैसा पसंद तो होगा। उसके अंदर अंतड़िया रहते रहे, क्या था वो नाम पल्ली मले पल्ली बस बस, क्योंकि जैनब को जब भी मैं जैनब चाला पर व्लॉग बनाया था कितने व्लॉग में खाली HDBTS तो के डाल रही हूँ। गाइस अभी क्या हुआ मालूम, हम लोग इतने भूखे हो गए कि खाना आते कि मैं ऐसा निवाला तोड़ के खाना भी शुरू कर दी तो इन्हें बोल रही क्या दीवानी तेरे को कंटेंट नहीं लेना है क्या। आई वाज लाइक वॉश पे आए फॉर कंटेंट एंड ऑल्सो फॉर फूड। ओके बाय, खाना हम लोग तो हम लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे जल्दी बोल दे रहे, मेरे को भूख लग गई। लक्ष्मी का डोसा खा रहे हैं, इतने तारीफा करके लेके आई, मेरे को तो फिलहाल कुछ भी खास नहीं दिखा। इसको ट्रस्ट ना को करो आप लोग, आप लाओ और खाओ, बटर डोसा भी खा सकते, आखिरी अमेजिंग रहता। प्याज डाल के दे दिया। ऐसे वक्तों पे खुशी होती मेरे को कि मैं बच्चा नहीं हूँ। थैंक्स अब्बास फॉर गेटिंग ऑल द फूड फॉर अस व्हाइल वी जस्ट चिल इन द कार। क्या लेके आए अब्बास तुम? वो खाया हो खत्म मालूम है। ये क्या है? ये मोमो बोंडे, ये कुरकुरे वाले मोमोज हैं। ये नो बट आई डोंट लाइक दिस, मैं ASMR कर रही हूँ। चाहिए ASMR। टमाटर की चटनी, टमाटर डालो ना टमाटर की चटनी। कैसे दिख रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे को, हालांकि लिपस्टिक बैग में पड़ी हुई है। मेनीज मेनीज दोनीज
नहीं आज निकल गई थोड़ी, आज मैं तो यकीन आ गया ब्लॉग पे व्यू आने आ रहे बोले तो ये सब करेंगे अब एक ऐसा कर रहे हैं तो मैंने क्यों नहीं देखा इसके ब्लॉग। आई अंडरस्टैंड तुम लोग को मिस करे, चार लोग तो लिखे थे मैं तेरे को लात मारती हूं अब बस तुम भी ऐसा बोलेंगे वो भी इनका फेक अकाउंट दिख रहा मेरे को। नॉट अ बिग फैन बट व्हाटएवर, नॉर्मल फ्राइड मोमोज पसंद है मेरे को, लेकिन ये कुरकुरे का कोटिंग जो दिए है ना इसके अंदर केमिकल का मजा आ रहा। क्या, व्हाई डज इट स्मेल लाइक दिस? फिनेल क्लोरीन मार दे रहे हैं क्या? बस देखो ये स्मेल कर, कुछ भी अच्छा नहीं है ना, वो डोसा अच्छा था ना ये अच्छा है, हम तो भी अच्छा बना लेते घर। ये और ट्राइपॉड ले ली मगर फिर भी नहीं यूज करी, ये वही कैटेगरी के लोग हैं जो नई गाड़ी खरीद के पन्निया दो साल तक नहीं निकालते। देखो वैसी अब्बास की बात कर रही तू, अब्बास लिटरली डेढ़ दो साल तक ऐसो सीट कवर्स के ऊपर की प्लास्टिक नहीं निकाला था। क्यों यूज कर, नहीं खरीदे ना तो यूज करो। अभी हम लोग खा रही फ्राइड मैगी, ये नॉन वेज है ये वेज है, बिस्कुट बोलते बोल ले क्या बोला है बोल ले, लाड़ों का लचका काड़ियों से गुखाया बिस्कुट बोलते व्हाट मेरे दादी बोलते थे, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पे, खामा खा के दुकान खोल के बैठे हुए पब्लिक को पागल बना रहे। अगलावा मजबूरी नो आन जान दी पसूरी नो जहर लगे हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी लो आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के डस जाए ना दूधी चूरी नो रावा छुपावा जो ओनो लगा गई मैनू ना रोके पूरा सुर चेंज यस मेरे डोल सिपाया मेरे डोल जुदाई दी तेनू खबर किवे होवे बनी है बनाई बनी कौन सा बनी दिल भाग किसे होवे पूरा भी ना होवे आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के ये प्रूफ था कि हम लोग अच्छा गा सकते हैं। एक बात है मैं अभी सोची क्या सीट बेल्ट से गले कटते होंगे ना अगर जोर से लगी तो नहीं, तेरे होते गिड्डे कोई नहीं है ना वो बंद कर यहाँ पे हमारा मुंडा यहाँ आता और हमारी सीट बेल्ट यहाँ आती, तेरी सीट बेल्ट यहाँ गई तो हम क्या करना चबूतरे मुंह बंद कर मम्मी मेरी आँखों में से धुआं निकल रहा है माथे में से भापी मुझे लग रहा है अब मेरी बैटरी भाई। लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो, हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू लिव अनटेम्ड। इधर इधर लगा दे एक यू अनटेम्ड।